अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बताती जाऊँ, माय नेम इज़ सवेरा एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। टाइटल के स्टार्ट में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, विद इन 5 मिनट में मैं आपको कैसी ट्रिक बताऊँगी जिसमें आपका आई लुक अमेजिंग सा रेडी हो जाएगा झटपट वो भी, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्पूली से अपनी आईब्रो को ब्रश की है, देन मैंने पफ से अपनी आईलेट सेट की है, ठीक है। करना कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इसी को, छोटी सी ट्रिक्स को लेकर आप बहुत अच्छा सा रेडी हो सकते हो, ठीक है। आपको मेरे इस चैनल पे मेकअप के रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। आपने नेक्स्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको नेक्स्ट मेरा ब्लॉग चाहिए, ठीक है, या फिर मेरी मेकअप वीडियो चाहिए, तो फिर उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगी। देन मैंने काजल लिया है, ठीक है। काजल को अगर आप फ्रीज़र में रख कर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं फैलता, ठीक है, बट मैं ज़्यादा काजल पर्सन नहीं हूँ, मुझे अपने पे इतना ज़्यादा आई थिंक सूट नहीं करता मुझे लगता है, बट आप देखें मैंने जैसे ही काजल लगाया तो आई गेम फुल चेंज हो गई है। तो उसके बाद हमने एक ब्रश लेना है, ठीक है, और उसके साथ मैंने डार्क या लाइट ब्राउन मिक्स करके, ठीक है, बिल्कुल काजल की जो कॉर्नर साइड होती है, ठीक है, उस साइड पे हमने स्मज करना है, ठीक है, ब्लेंड करना है बिल्कुल माइनर सा। आप जितना स्मॉल ब्रश लेंगे आपकी उतनी मज़े की ड्रॉ होगी लाइन, ठीक है। और साथ ही मैंने आई के कॉर्नर पे एक जैसे लाइनर लगाते हैं उस तरह से मैंने ब्रश की मदद से अपना लाइनर को या अपने आई शेडोज को ब्लेंड आउट कर दिया। अच्छा, इधर मैं आपको एक बात बताती चाहूँ, आपने कभी भी आपने डार्क शेड एकदम इतना सारा अप्लाई नहीं कर लेना, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करो ताकि वो आपसे हैंडल हो सके, ठीक है। जितना आप एकदम अगर ज़्यादा आप कर लोगे वो आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा और फिर वो काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ी क्वांटिटी में लो और उसे बिल्ड आउट करो। यहाँ आप लोगों ने देखा है, ठीक है, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपना डार्क शेड, ठीक है। उसके साथ अब मैं उससे लाइट शेड, उसकी हार्श लाइन को रिमूव करने के लिए मैं वो अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आपने बस ब्लेंडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं शार्प कर रही हूँ लास्ट लाइन, ठीक है। इसके बाद में मैंने मस्कारा अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मस्कारा मैंने 1 से 2 कोट लगाया, ठीक है, आप देख रहे हो, ठीक है। उससे मैंने आई लैशेज अप्लाई नहीं की, ठीक है, मैंने नॉर्मल सा एक जस्ट आपको टेक्निक डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, मैंने क्या यूज़ किया है, क्या नहीं यूज़ किया, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर सबसे ज़्यादा करती है टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोकस पहले टेक्निक पे होना चाहिएगा। अगर आपके पास टेक्निक होगी ना तो आप कोई भी प्रोडक्ट सामने हो आप उसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैंने अपना कोई भी आप अपना हाईलाइटर ले लें, ठीक है, वो आप इनर कॉर्नर पे लगा लें और अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लें, ठीक है। अब वो ज़माना गया जब पूरी ब्रो बोन पे हाईलाइटर लगता था, अब बस बहुत हाफ आईब्रो के नीचे ब्रो बोन पे लगता है हाईलाइटर, ठीक है, और उसी से इन्हांस हो जाती है। इसकी मैंने ब्लेंडिंग की है और ये मैंने सेकेंड आई भी अपनी कम्प्लीट कर ली है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल लुक, कुछ नहीं करना, विद इन 5 मिनट में आपका ये देखें झटपट सा आई लुक रेडी हो गया। इसके साथ आप कोई डार्कर लिपस्टिक अप्लाई करें तो वो बहुत मज़े की लगेगी, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स में मेरा ये आई लुक कम्प्लीट हो गया, जो कि मेरा पर्सनली भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैं जल्दी से बस यही करके और फिर मुझे जो करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। नेक्स्ट आपने मुझे बताना है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। लाइक अगर आप मेरा ब्लॉग देखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं मेरी कोई मेकअप से रिलेटेड वीडियो, तो वो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब टू मेरे चैनल, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आपने वो भी मुझे बताना है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी आपने तभी मुझे बताना है। और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कुछ सीख सकते हैं मुझसे, जो डिज़र्व करते हैं सीखना। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर टिल देन, बाय बाय।